आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी खबरों की दुनिया में। आज मैं उज्जैन में मौजूद हूं। जी हां, मैं आपको बता दूं कि उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में मैं मौजूद हूं। हम इस समय सिप्रा रविदास घाट में मौजूद हैं, जहाँ हमारे पीछे सिप्रा नदी है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी, आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर। महाकाल की नगरी से बड़ी खबर, भोलेनाथ के लिए दिखा भक्तों का प्रेम। स्वागत जिंदगी की टीम उज्जैन में महाकाल की नगरी में जब पहुंची तब महाकाल के लिए भक्तों का प्रेम दिखाई दिया। कुछ लोग दुनिया भर से आते हैं और महीने का सफर तय करते हैं, जिसमें कुछ लोग पांच ज्योतिर्लिंग का दर्शन प्राप्त करने के लिए उन्नाव से आए हुए हैं, जिनसे स्वागत जिंदगी की टीम ने मुलाकात करते हुए महाकाल के बारे में जाना, जिसमें कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हम तो हर साल आते हैं और लोग कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी गृहस्थी साथ में लेकर चलते हैं और भोलेनाथ की भाव में मग्न रहते हैं। कुछ तो अपना सब कुछ महाकाल को सौंप देते हैं। बाबा महाकाल के यहाँ पर जयकारे लगातार आप सुन सकते हैं। लोग पूरे भाव श्रद्धा से मग्न होकर यहाँ पर आते हैं। बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। हम नौ से आए हुए हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। अच्छा, तो कितने दिन का सफर है, कहाँ कहाँ तक दर्शन करेंगे? हमारा जो सफर है समथिंग एक सप्ताह का पूरा सफर है। हम यहाँ उज्जैन दर्शन करेंगे, महाराष्ट्र भीमाशंकर त्र्यंबकेश्वर और नागेश्वर दर्शन करेंगे। अच्छा, तो ये आप जो व्यवस्थाएं जो अभी आपने करी है ये क्या मतलब? अपनी गाड़ी से जो है कोरोना कोविड कॉल को देखते हुए फॉलो करते हुए हम लोगों ने खाने की व्यवस्था खुद ही हर जगह आप जाकर के पांच ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें तो पांच ज्योतिर्लिंग में आप सब ऐसे ही व्यवस्थाएं कर रखी है? हाँ, चाय बनवा लो एक। हाँ, पिएगा। सारे ज्योतिर्लिंग में हम लोगों के साथ दो गाड़ियाँ हैं, हम लोग 12 लोग साथ में, भैया भी हैं। नाम बताइए। मेरा नाम रवि वर्मा। आप भी पारनाथ ज्योतिर्लिंग में पांच ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे? अच्छा, बाबा महाकाल के दर्शन हो गए आपके? कैसे हुए, कैसा मतलब यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है, क्या है? हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे।